हेलो दोस्तों, आप लोग ये देख रहे हैं, ये मिट्टी का बर्तन है और ये पूरी तरह से सूख चुका है। इसको बनाने में लगभग 1 महीने 1.5 महीने लग चुका है और इसको हम लोग अब इसको कलर करेंगे। देखिए कलर कैसा होता है। तो देखिए ये कलर है जो कि इसको हम लोग गेर बोलते हैं। इसको अब इसको घोला जाएगा पूरी तरह। इस घोलने के बाद इसको सब बर्तन पे कलर किया जाएगा ताकि ये भट्टी में पके तो और भी लाल हो सके। देखिए पूरी तरह से रंगा जा रहा है और इसको रंगने के बाद 1 से 2 घंटे तक इसको धूप में छोड़ देंगे ताकि ये पूरी तरह से सूख जाए। देखिए पूरा कलर हो रहा है। सारे बर्तन को कलर कर देंगे। अब देखिए ये पूरा पूरे बर्तन को कलर कर दिया गया है और इसको धूप में छोड़ दिया गया है ताकि पूरी तरह ये सूख जाए। ये बर्तन पूरी तरह सूख जाएगा। इसके बाद इसको हम लोग भट्टी में लगाएंगे। भट्टी में लगाने के लिए इस कोयला की ज़रूरत होती है, लकड़ी की ज़रूरत होती है, गोइठा की ज़रूरत होती है। देखिए इसमें लकड़ी कोयला सब इसमें डाला गया है। इसमें कोयला की मात्रा कम होती है और लकड़ी की मात्रा ज़्यादा होती है। देखिए पूरी तरह इसको भट्टी में लगा दिया गया है। अब यह रेडी है। अब इसके बाद इस पर हम लोग पुआल चढ़ाएंगे। देखिए मेरा सब पुआल इस पर चढ़ रहा है। ये पुआल चारों तरफ इसको चढ़ा दिया जाएगा। इसके बाद इसको चढ़ाने के बाद इसके बाद मिट्टी का व्यवस्था किया जाएगा। मिट्टी को फुलाया जाएगा। देखिए यहाँ पे मिट्टी को फुलाया जा रहा है और इसके इसको पूरी तरह से लेप बना देंगे। और लेप बना के इसके बाद देखिए इस पर सब चढ़ाया जा रहा है। इसके बाद लेप चढ़ाने के बाद इसको अब इसमें हम लोग आग छोड़ेंगे। ये लेप इसलिए लगाया जाता है ताकि अंदर से बाहर आग आ ना सके और अंदर ही पके। और देखिए पूरी तरह से लेप लगाया जा रहा है और लेप लगाने के बाद इसमें आग डाला जाएगा। और देखिए इसमें आग डाला जा रहा है और इसको आग डालने के बाद इसको ढक देंगे हम लोग। देखिए पूरी तरह से ढक चुका है। अब देखिए 6 घंटे बाद ये पक चुका है। इसको पकने के लिए 5 से 6 घंटे लगते हैं और ये ठंडा होने के लिए 2 घंटे लग ही जाते हैं, तब इसको बाहर निकाला जाता है। देखिए पूरी तरह पक चुका है। अब इसको हम लोग देखिए ये सब निकाल रहे हैं। इसको पकाने के लिए 4-5 केजी कोयला लगा था और 20-25 केजी लकड़ी ही लगा था, तब ये इतना पका है। ऐसे ये पूरी तरह से जो कलर होना चाहिए कलर नहीं हुआ है। इससे भी और
तेज कलर इसका होता है। इसमें ये होता है कि ज़्यादा इसमें कोयला देना भी नहीं है और कम भी नहीं देना है, हिसाब से देना है। कम देने के बाद ये काला भी हो जाता है, ज़्यादा देने के बाद ये इसमें कुत्ता कुत्ता भी ज़्यादा है, इसलिए हिसाब से इसमें कोयला दिया जाता है। अब देखिए ये अच्छी तरह से पक गया है, इसको पूरी सब बाहर निकाल देंगे। ये देखिए ये भी अच्छी तरह से पक गया है। प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।